दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज हमारे 10 बच्चे मर गए हैं। दोस्तों आज रात में लोडिंग भी होना है और एक दिन में 10-10 12-12 15-15 बच्चे मर रहे हैं। दोस्तों गर्मी में पोल्ट्री फार्मिंग करने में यही परेशानी आती है। अगर आप भी नए पोल्ट्री फार्मर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी देता हूं और आजकल मैं लगातार वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन दोस्तों कभी कभी मैं वीडियो डालता हूं आप लोगों को जानकारी देने के लिए। अगर जो ज़रूरी बातें होती हैं मैं आप लोगों से शेयर करता हूं ताकि आप लोग भी अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आपको भी पोल्ट्री फार्मिंग में दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में कभी दोस्तों घाटा भी हो सकता है, कभी मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर खास करके जो कंपनी से पोल्ट्री फार्मिंग करता है दोस्तों उसको मुनाफा ही होता है, घाटा होने का चांस बहुत कम रहता है। दोस्तों पैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं, कभी ज़्यादा मिल सकता है कभी कम मिल सकता है, लेकिन पैसा हमेशा मिलेगा आपको। दोस्तों आज हमारे पोल्ट्री फार्म पर बच्चों के 38 दिन हो चुके हैं और आज हमारी लोडिंग है। हमने सोचा एक वीडियो आपको बना देता हूँ, आप देख लीजिए कि हमारी तैयारी कैसी है। दोस्तों कितने बच्चों की मोर्टलिटी आज हो गई है, दोस्तों एक दिन में कितने बच्चे मर गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे तरफ और गर्मी से बच्चों की मोर्टलिटी होती है, और अगर आपके भी फार्म में गर्मी है तो दोस्तों कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करिएगा, पंखा कूलर जो आपसे हो सके लगाइएगा, ताकि दोस्तों बच्चे इतना अच्छा खासा तैयार होने के बाद अगर मरते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। लगभग दोस्तों 2 किलो 2.5 किलो के बच्चे मर रहे हैं तो तकलीफ़ होती है। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबाकर आल पर क्लिक कर लीजिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जितना भी वीडियो डालूंगा आपको मिलेगी दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाएगी कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करना है। तो दोस्तों आज पोल्ट्री फार्म पर बच्चे 38 दिन के हो गए हैं, आज रात में लोडिंग होना है। हमने सोचा उससे पहले एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों एक बार मैं अपना पोल्ट्री फार्म आपको दिखा देता हूँ, क्या तैयारी आई है और आप देख लीजिए बच्चे कैसे तैयार हैं और कितने बच्चों की मोर्टलिटी आज हो गई है और किस गलती से हो गई है सब कुछ आपको बताऊँगा। ये दोस्तों दिखाते हैं आपको पोल्ट्री फार्म। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने पूरी जगह बढ़ा दिया था और दोस्तों हमारा 215 फीट लंबाई वाला पोल्ट्री फार्म है, 29 फीट इसकी चौड़ाई है और आप देख पा रहे होंगे पूरा हमारा पोल्ट्री फार्म इस समय सफ़ेदी से भरा दिख रहा होगा। दोस्तों जितना कोशिश हो सकती थी हमने किया, दोस्तों हमने बच्चों को ड्रिंकर के साथ साथ प्लास्टिक के टप में पानी लगाया, गर्मी में पानी की वजह से भी बच्चों की मोर्टलिटी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों देखिए बच्चे तैयार भी हैं, ऐसा नहीं कि तैयार नहीं है, लगभग 2-2.5 किलो के मुर्गे हैं। दोस्तों गर्मी में इतना बड़ा मुर्गा तैयार करना बहुत आसान काम नहीं होता है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आप भी जानते होंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाती है। और दोस्तों आप ये देखिए दोस्तों कल से ऐसे ही बच्चे पलट कर मर जा रहे हैं और हमने बहुत कोशिश किया, बहुत दबा भी लगाया। दोस्तों बताते हैं दोस्तों जब बच्चे ऐसे मरते हैं तो उनको लीवर में दिक्कत रहती है जब पलट के बच्चे मरते हैं, लेकिन दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम दोस्तों आज रात में बच्चों की लोडिंग हो जाना है, रेट बहुत अच्छा खासा है, लगभग 125 प्लस रेट चल रहा है और गर्मी में लमसम रेट ऐसे ही रहता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा था। कल दिन में 18 बच्चे मर गए, इतने बड़े बड़े आज दोस्तों लगभग 8-10 बच्चे आज भी मर चुके हैं, तो नुकसान हो रहा है। पोल्ट्री फार्मिंग दोस्तों कितना भी पुराना हो, पोल्ट्री फार्मिंग करने वाला दोस्तों कितना भी पुराना हो कितना भी नया हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जब बच्चों की मोर्टलिटी होने लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों अपने जान में आप हर चीज़ करोगे लेकिन तब भी मोर्टलिटी नहीं थमती है। तो अगर आपके भी पोल्ट्री फार्म पर कभी ऐसा हो जाए और आपके दोस्तों 1-2 दिन बच्चे और रोकने वाले हैं तो तुरंत लोडिंग करवा दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा और बहुत ही आसानी से दोस्तों आपको पैसे मिल जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे जो फीडर हैं लगभग खाली हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको अगर अपना FCR मेंटेन करना है तो लास्ट में आपको दाना होल्ड करना होता है। आप दाना ऐसे लगाइए रात में कि सुबह 11 बजे तक दाना ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर आपको 3 से 4 बजे दाना लगाना होता है ताकि आपका FCR मेंटेन हो जाए। अगर FCR मेंटेन रहता है दोस्तों तो बच्चों की तैयारी आई हो या ना आई हो पैसे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आती होगी। अगर दोस्तों कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, अगर दोस्तों कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल दोस्तों कमेंट कर लीजिएगा या आप हमारे पास फ़ोन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही आसानी से आपको समझा दूँगा।
दोस्तों मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको दोस्तों थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाए और आप इससे कुछ सीखें। दोस्तों उधर देखिए लास्ट तक पूरा हमारा पोल्ट्री फार्म भरा हुआ है। अब की बार हमको दोस्तों लगभग 4000 बच्चे मिले हुए थे गर्मी में। दोस्तों अभी तक मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा हुई नहीं थी, लेकिन दोस्तों कल 18 बच्चे मर गए हैं। आज दोस्तों अभी तक 7-8 बच्चे मर चुके हैं, लगभग 10 बच्चे। दोस्तों तकलीफ तो होती है, और अंदर में दोस्तों हमने कोशिश बहुत किया है कि हम दोस्तों फुहारा भी चला के रखते हैं। फैन आप देख पा रहे हो दोस्तों, लगभग 12-13 फैन लगे हुए हैं। इधर से दोस्तों धूप आती नहीं, हमने छपरी छपा के रखा है। दोस्तों इधर से हमने हरा वाला कपड़ा लगा, जितना व्यवस्था होती है पोल्ट्री फार्म में हमने सब कुछ किया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर जब आपकी किस्मत नहीं सही रहती है तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं है दोस्तों, 2-4 बच्चे मरने से कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर दोस्तों अब हम आज लोडिंग करवा देते हैं तो हमारा तब भी कुछ ना कुछ बच जाएगा, और कितना पेमेंट हुआ, कितना पैसा बचा, सबको सब कुछ आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर दोस्तों आपके भी पोल्ट्री फार्म पर अचानक से मोर्टलिटी बढ़ जा रही है तो आप दोस्तों बच्चों को तुरंत बेच दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों जब मोर्टलिटी बढ़ती है तो दोस्तों फिर थमती नहीं है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 मोर्टलिटी हो रही है तो कोई बात नहीं है, अगर मोर्टलिटी बढ़ गई है और आप संभाल नहीं पा रहे हैं तो तुरंत अपने बच्चे दोस्तों बेचने की कोशिश करिएगा, चाहे आप प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे आप कंपनी से कर रहे हैं तब भी। ये दोस्तों एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने बच्चे आज मरे हुए हैं ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में, लाएंगे आपके लिए और नई जानकारी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। दोस्तों आज लोडिंग का हो सकता है वीडियो बना के आपको दूँ, कैसे लोडिंग होती है दोस्तों, कितना कुंटल माल हमारा निकला, क्या पेमेंट हमारा बना, इसकी वीडियो भी आएगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कोशिश यही रहेगी दोस्तों कि आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में छोटी छोटी जानकारी जो होती है सब कुछ दी जाए, और आप भी पोल्ट्री फार्मिंग अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो करें। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हमसे कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों अभी तक सुपरवाइज़र आए नहीं हैं, और हमने जो मोर्टलिटी हुई है बच्चों को यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख लीजिए दोस्तों 2-2 किलो 2.5-2.5 किलो के बच्चे मरे हुए हैं। तो दोस्तों बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, तकलीफ भी बहुत होती है, लेकिन दोस्तों कर नहीं सकते कुछ। उम्मीद करता हूं मेरे बताए अनुसार आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है, और आपको पोल्ट्री फार्मिंग गर्मी में कैसे करना है, ठंडी में कैसे करना है, क्या व्यवस्था करना है। लेकिन दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, लाते हम आपके लिए और नई जानकारी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।